दोस्तों कई लोगों का ऐसा सवाल आता है कि कई बार होता है कि उनके जो बर्ड्स है उनके जो ये जो पूंछ है ना, ये जो पूंछ का जो फेदर है ये कभी कभी निकल जाता है या फिर किसी वजह से टूट जाता है या किसी वजह से झड़ जाता है। तो बहुत ब्रीडर्स है वो पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या हो गया, इनका इतना सुंदर ये जो फेदर है ये टूट गया, तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ब्रीडर्स जो है पैनिक कर जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है और इसका इलाज कैसे आप कर सकते हो, इसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट हमारे चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बदीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये जो होता है ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो बर्ड्स है इन बर्ड्स का जो ये पूंछ होता है या सिर्फ इनका जो पूंछ का पर है, ये पूंछ का फेदर है, सिर्फ ये नहीं इनके बॉडी के कई सारे फेदर्स ऐसे टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। इसको मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग का क्या चक्कर है कि ये बर्ड्स जो है इनके शरीर में जो फेदर्स है, जो पुराने फेदर्स है वो निकल कर उसके जगह पर नए फेदर्स आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है और ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। तो इस चीज़ पर बहुत ब्रीडर्स जो है वो जो नए ब्रीडर्स है बेसिकली वो देख कर घबरा जाते हैं कि अचानक से आप देखोगे कि सुबह उठकर कि आपके बर्ड्स का ये पूंछ टूट गया है या फिर नीचे गिरा हुआ है, तो पैनिक कर जाते हैं कि क्या हुआ, इसने इसे चोट लग गई है या नहीं। तो जनरली मैक्सिमम केस में ये चोट की बात नहीं होती। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी तरह से दोनों बर्ड्स के बीच हाथापाई हो गया तो उस वजह से कभी कभी होता है कि पूंछ कभी टूट जाती है, तो ये एक समस्या होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर इन्हें ठीक से डाइट मिले, ठीक से ये एक मतलब हेल्दी रहे, इधर उधर भाग दौड़ करते रहे, तो कुछ ही दिनों के बाद इसके जगह पर नए फेदर्स आ जाएंगे। बहुत ब्रीडर्स इसमें पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों होता है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ एक और चीज़ आपको करना होता है कि जब आप देखोगे कि आपके बर्ड्स के फेदर्स उखड़ रहे हैं या फिर मोल्टिंग हो रहा है या फिर इनके जो ये जो पूंछ का फेदर है ये झड़ चुका है, तो आपको उनके खाने में अच्छी तरह से ध्यान देना होता है, ठीक है। आपको कई तरह के सीड मिक्स जो है अवेलेबल होते हैं, सीड मिक्स प्रॉपर आपको देना चाहिए, उसके ऊपर आपको देना चाहिए उनके जो खा जो पानी का पॉट है, पानी जो आप दे रहे हो उसमें आपको विटामिन की मात्रा थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। तो मल्टी विटामिन मेडिसिन जो होता है विमेरल वो आपको टाइम टू टाइम अच्छी तरह से हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको देना होता है, और जो देना होता है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेडिसिन। बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन भी इस वक्त आप अगर दोगे तो भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, इनका जो पूछ है या फिर जो फेदर झड़ चुके वो जल्दी जल्दी ग्रो करने में मदद करता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो मेडिसिन है वो तो एम्बीप्लेक्स होता है, ग्रोबीप्लेक्स होता है या फिर दूसरे और भी कई तरह के मेडिसिन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी तरह के मेडिसिन के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप आराम से आसानी से और बहुत ही कम प्राइस में परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी है जो आपको बर्ड्स को देने चाहिए टाइम टू टाइम लेकिन आपके वहाँ पर जो बर्ड शॉप है या फिर पेट शॉप है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, तो वो मेडिसिन भी आप नीचे लिंक से खरीद सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये सारे मेडिसिन जितना आप ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ये सारे मेडिसिन जो है वो हानिकारक मेडिसिन नहीं है, ये वो मेडिसिन नहीं है जो आपको देना नहीं चाहिए, तो ये सारे मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम देना होता है जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कौन सा वो मेडिसिन है जो आपको सर्दी के वक्त बिल्कुल नहीं देना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने डीवॉर्मिंग नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।